जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पेन और कापी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इससे पहले कल मैं जो जीके जीएस वाला क्लास का वीडियो लाया था, जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताया था उसमें से एक प्रश्न मिस्टेक हो गया था। देखो, मतलब बताना चाहिए था 2005, तो मैं बोल दिया था 2008 पर ट्रिक लगा दिया था। मैं आप लोगों को जीके में जो 15वां क्वेश्चन था कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, लेकिन मैं ऑप्शन में 2008 पर ट्रिक मार दिया था, 2008 बता दिया था, तो उसको आप लोग 2005 कर देना, ठीक है ना। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और सूचना का अधिकार मतलब क्या होता है, आरटीआई होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लोग देखे होंगे कोई भी भर्ती निकाल जाती है, जब उस भर्ती में थोड़ा बहुत धांधली होता है, जैसे लोगों को यह पता चलता है कि नहीं हमारे साथ गलत किया गया है, तो वो लोग आरटीआई लगाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे पता चलता है कि उनका पेपर में कितना नंबर है और कहां से मिस्टेक किया गया है। तो वही वाला वो प्रश्न था, ठीक है ना। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया था, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, आप लोगों का पेपर निकलेगा। और देखो, अभी जो फौजी शहीद हुए हैं पंजाब के अमृतपाल सिंह, इसके ऊपर मैं काफी सारा वीडियो बना चुका हूं और बहुत सारे लोग वीडियो बना दिए हैं और यूट्यूब पर पूरा का पूरा आप लोग देख ही रहे हो, बस वही चल रहा है, पता है उसको लेकर। देखो, आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना मेरे भाई। अब सरकार का पता नहीं क्या रूल रेगुलेशन है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो फौजी शहीद हुए हैं, बताया जा रहा था कि मतलब वो खुद से गोली मारे हैं, इंडियन आर्मी के तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करके बताया जा रहा है, बोला जा रहा था कि खुद से गोली मारे हैं इसलिए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग उनके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो पंजाब सरकार उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपया दी है और जैसे पंजाब सरकार उनको शहीद का दर्जा दी है, मतलब सब कुछ हो गया था लेकिन बाद में उनको शहीद का दर्जा दी है। तो आने वाले समय में मतलब कोई भी फौजी शहीद होंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उस पर अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना। तो शहीद का दर्जा मिलेगा। और मेरे भाई, आप लोग अंदर से डिमोटिवेट नहीं होना, आप लोग दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो आप लोग के ऊपर है, अपना तैयारी मतलब अच्छे से करना, मनोबल डाउन नहीं करना। देखो, हिम्मत टूटता है मुझे पता है, मेरा भी हिम्मत बहुत ज़्यादा टूट जाता है ये सब देखने के बाद, लेकिन भाई हम लोग कर भी क्या सकते हैं, आप पीछा छुड़ा लेंगे तभी तो अच्छी बात नहीं है, हम लोग के साथ जो गलत किया जा रहा है उससे लड़ाई लड़ेंगे तब अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखो। अभी भर्ती चल रही है रिलेशन का एक भर्ती समाप्त हो गया था, 2 सितंबर को पेपर हुआ, अब दोबारा भर्ती का शेड्यूल आ गया है, भर्ती चालू हो गया है, ठीक है ना। आरटी सेंटर नासिक का भर्ती चालू हो गया है, उसके बाद से यहाँ बरेली में जाट रेजिमेंट सेंटर है, वहाँ भी दोबारा रिलेशन वाला भर्ती चालू हो गया है और रिलेशन वालों का दोबारा पेपर का डेट भी आ गया है, 10 मार्च को उन लोगों का पेपर कराया जाएगा, उन लोगों में पहले दौड़ होता है, तो जब दोबारा उन का शेड्यूल आ गया है तो ओपन वाला का भी शेड्यूल आ जाएगा नवंबर दिसंबर तक, ठीक है ना। और जैसे ही शेड्यूल आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, दौड़ किस तरह से होगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8, 9, 7 और 6। तो नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ठीक है ना। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। किसमें 8 खिलाड़ी होते हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में सिर्फ यही कमेंट आना चाहिए, बाकी दूसरा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, इससे जो लोग कमेंट पढ़ने जाएंगे ना तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। और 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं, 6 खिलाड़ी किसमें होते हैं, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया और नेपाल है।
इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, नेपाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? करणम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी लीला राव और दीपा कर्माकर। तो इसका राइट आंसर मैरी लीला राव हो जाएगा, मैरी लीला राव इज राइट आंसर। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मैरी लीला राव थी, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मैरी लीला राव थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जर्मनी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूरो, डॉलर, लीरा और पाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। जर्मनी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जर्मनी की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्का डोमेस्टिका और बास इंडिका, बुबालस बुबालिस और केप्टा हिटमस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्का डोमेस्टिका हो जाएगा, मास्का डोमेस्टिका इज राइट आंसर। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बास इंडिका, ठीक है ना। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बास इंडिका होता है। वैज्ञानिक नाम से पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबालस बुबालिस, ठीक है ना। और बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्टा हिटमस होता है। ये सब तो इंडियन आर्मी के पेपर में ज्यादा नहीं पूछा गया है, भैंस और बकरी का मैं नहीं देखा हूं कभी पूछा गया है, लेकिन गाय का पूछा गया है, बास इंडिकस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है, और मेढक का पूछा जाता है, मेढक का राना टिग्रीना होता है, ठीक है ना। और मनुष्य का पूछा जाता है, मनुष्य का होमोसेपियंस होता है, बाकी ये नहीं पूछा गया है, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, केरल और मुंबई और उड़ीसा। तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, केरल इज राइट आंसर। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जबलपुर, उदयपुर, हैदराबाद और महाराष्ट्र। इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पता नहीं कितना बार बता चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो हैदराबाद में है, ठीक है ना। आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में बात किया जा रहा है, पाकिस्तान और भारत के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिप रेखा, डुरंड रेखा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डुरंड रेखा हो जाएगा, डुरंड रेखा इज राइट आंसर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा है, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर पूछेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वो रेड क्लिप रेखा है, ठीक है ना। रेड क्लिप रेखा इज राइट आंसर। अगर पूछेगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना। भारत चीन के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है, और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिको की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया और मैक्सिको सिटी, कुवैत सिटी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिको की राजधानी का क्या नाम है? मैक्सिको सिटी है, ठीक है ना। देखो नाम से ही है, मैक्सिको की राजधानी का नाम मैक्सिको सिटी है, और कुवैत का राजधानी का क्या नाम है? कुवैत सिटी है, ठीक है ना। और ब्राजील का ब्राजीलिया है, नाम से ही इन सब राजधानियों का नाम रखा गया है। तो ये पेपर में आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मृति स्थल किसकी समाधि है? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली और राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। स्मृति स्थल किसकी समाधि है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के है। हमारे भाई साहब कमेंट किए थे कि भाई आप तो खतरनाक वाले पढ़ाते हो, बस मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाते रहते हो, आराम से नहीं पढ़ाते हो, धीरे धीरे नहीं पढ़ाते हो। तो मेरे भाई, मैं अभी आप लोगों को कहाँ पढ़ाता हूँ यार, अभी तो मैं सिर्फ
इम्पोर्टेंट जीके जीएससी इकट्ठा करके और आप लोग के सामने ला कर रख देता हूँ। बाकी ये पढ़ाना थोड़ी क्यों हुआ, अभी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ, अभी समझो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस दिन से मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूंगा ना, उस दिन से आप लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और इतना ज़्यादा मजा लोगे कि भाई मजा ही कुछ अलग रहेगा, ठीक है ना। उस दिन बोले कि हाँ कोई बंदा पढ़ा रहा है, ये नहीं सोचना कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी बस आप लोगों को मेहनत ना करना पड़े, चार पांच को किताब रख कर और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस बार जो पेपर में पूछा गया था उन सब से रिलेटेड मैं प्रश्न बनाकर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और आप लोग अपने कापी में लिख कर खुद याद कर रहे हो। जिस दिन से पढ़ाने लगूंगा ना, उस दिन से जब एक प्रश्न बताऊंगा ना, तो एक प्रश्न बताने में कम से कम 5 मिनट ले लूंगा और आपके दिमाग में वो सेट कर दूंगा। बस समय का इंतजार करो, कुछ टाइम और लगेगा, अभी मैं मुझे स्टडी करने का उतना टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए कम से कम मुझे 6 महीना अच्छे से स्टडी करना है पूरा बढ़िया से, उसके बाद से आप लोगों को बेस्ट तरीके से बताऊंगा जिस तरह से चाहिए उस तरह से, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बॉर्डर पर भाग जाऊंगा, इसी बार मेरा भी पेपर निकला है ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो मेहनत अभी उतना हार्ड वाला दौड़ नहीं हो रहा है, लेकिन अब हार्ड वाला दौड़ होगा वो तो मैं आप लोगों को नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर बता ही दूंगा, अपना लाइव टाइमिंग दिखा ही दूंगा। तो ये ना सोचो कि हार्ड मतलब पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ, तो लिखते जाओ, ठीक है ना। द आयरन लेडी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? अब मैरी काम, हिमा दास, करणम मलेश्वरी और पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर करणम मलेश्वरी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मैं आप लोग को इसलिए बताता हूँ ना, मैं यूट्यूब पर देखा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी मतलब वो इंडियन आर्मी का तैयारी के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, मतलब तैयारी कभी किए भी नहीं है, वो लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो पता है पता नहीं कौन जमाना का पढ़ाते हैं, मतलब कोई भी जीके जीएस का प्रश्न लाकर दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखकर मैं सोचा यार इन लोगों से बढ़िया तो मैं ही जैसे आप लोगों को बता दूंगा, और मेरा पढ़ाया हुआ मिला भी था जो 10 सितंबर को पेपर हुआ था, खाली कम से कम 25 से 26 क्लास कराए थे और उसमें 25 प्रश्न मिल गए थे और लाइव में आप लोगों को दिखाया था। तो इसलिए मेरे भाई मैं यूट्यूब पर आया, ठीक है ना, और आप लोग का बहुत ज्यादा मांग भी था, आप लोग को मेरा बात समझ में भी आता है। तो अभी आगे का इंतजार करना आप लोग, वैसे भगवान करे सभी लोग का सिलेक्शन इसी बार हो जाए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कमल, अशोक स्तंभ, बाघ और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और कोचीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचीन को, ठीक है ना, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री, रोजर बिन्नी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रोजर बिन्नी हो जाएगा, रोजर बिन्नी इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब चलते हैं सामान्य विज्ञान के तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि मशरूम निम्न में से क्या है? जंतु, कवक, पादप और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम एक कवक है, कवक इज राइट आंसर। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, बहुत बार पूछा गया है। जूल किसका मात्रक है? उष्मा, ताप, दाब और त्वरण। तो जूल किसका मात्रक है? ये उष्मा का मात्रक है, उष्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लैड स्टीनर, बेंटिंग, रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है ना। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान और टेकोफेराल और फेलिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनान, ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा और श्वास नली। तो निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, फेफड़ा इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में
कौन बदलता है, बल्ब, सोलर सेल, ट्यूबलाइट और डायनेमो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, बल्ब बदलता है, ठीक है ना, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बनिक अम्ल होता है, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली का कुचालक है तांबा, स्टील, लकड़ी और एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर लकड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, बिजली का कुचालक बोला है, कुचालक मतलब होता है कि जिसमें जो लाइन होता है वो नहीं जाता है, ठीक है ना, और सुचालक मतलब होता है जिसमें लाइन जाता है। तो वो लकड़ी में आप लोगों को पता होगा कि बिजली नहीं जाती है, तो ये बिजली का कुचालक है, ठीक है ना, जिसमें बिजली जाती है वो बिजली का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, उत्तल रहेगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया उत्तक, आप लोग कर लेना उत्तक, ठीक है ना, उत्तल कर देना, ठीक है ना, उत्तल, अवतल और साधारण और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा, अवतल इज राइट आंसर। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रश्न है ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय और गुर्दे। तो इसका राइट आंसर हृदय हो जाएगा, हृदय इज राइट आंसर। ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो हृदय की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है ना, हृदय रोग की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु, तत्व, मिश्रण और यौगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, यौगिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2, 3, 4 और 6। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ का घनत्व तो पिघलने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बढ़ जाता है हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2, O2 और CO और CO3। तो इसका राइट आंसर CO हो जाएगा, CO इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि टन का प्रयोग में किया जाता है, टन का प्रयोग किस में किया जाता है, वजन, गति, तापमान और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वजन हो जाएगा, वजन इज राइट आंसर, वजन नापने में टन का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब विशु सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कापी लेकर बैठ जाओ। दोस्तों मैं विशु आर्य स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और अभी तक जो क्वेश्चन कराए नीलेश भाई ने आपको, 15 क्वेश्चन आपके जीके के और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के, तो 30 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। आपको करना क्या है, पर डे जो 50 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसको एक नोटबुक बना लेनी है आपको, और पर डे आपका एक सेट चलता है, यानी कि अगर एक महीना लगातार बनाओगे आपको पीस तरह, तो कम से कम 20 से 22 सेट आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सैटरडे को कभी कभी क्या करते हैं नीलेश भाई, रिवाइज करते हैं, तो वो रिवाइज भी उनके साथ करना है आपको दोस्तों। और मैथ्स का बेसिक क्लास अगर आपको करनी है तो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नीलेश डिफेंस कैरियर के प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जाइए और चेक कीजिए, वहां पर आपको मैथ्स की कम से कम 50-51 वीडियो मिलेंगी, जीके का आपको मिक्स अलग वीडियो मिलेंगे, और जो मिक्स आपका चला हुआ है 50 क्वेश्चन का टेस्ट उसकी भी आपको वीडियो मिलेंगे। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर, और 31वां क्वेश्चन अपना देखें एक बार, क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, 8,000 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 9,200 रुपये हो जाता है। 8,000 रुपये मैंने उधारे लिए और जब देना पड़ गया तो 9,220 रुपये दिए, लिया कितना 8,000 और देना पड़ गया 9,200 रुपये। फिर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, यदि वार्षिक दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन कितना होगा, मतलब जो पैसा लिया था मैंने 8 लिया था और देना पड़ गया उसका 9,200, लेकिन जिससे मैंने पैसा लिया था उसके मन में क्या हुआ, लालच आ गया, तो उसने क्या किया, दर को बढ़ा दिया। जो पहले दर थी वो दर तो लेगा लेगा, लेकिन उसमें 4% और बढ़ा दिया, तो इसने कहा मिश्र धन कितना होगा।
तो 8000 रुपए हैं वो ही, और दर बढ़ाई, बढ़ी हुई दर देख लो कितनी बढ़ाई, और समय तो वही 4 वर्ष है, और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 80 का 4 चौक 16 में गुणा करो, 8 चौक 32 320, और 320 का 4 में, मतलब 80 गुणा 4 चौक 16 गुणा किया तो 16 जीरो जीरो, और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 1280 रुपये, 1280 रुपये क्या किया उसने, बढ़ा कर लिए, पहले 9200 रुपये में जो मेरा काम चल रहा था, अब मुझे जब दर बढ़ गई तो 1280 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ गया, 1280 रुपये, तो 9200 में आपने जोड़ दिया, 1280 तो 0, 8, 2 और 2 4 और 9 और 1 10, यानी कि अब 10480 रुपये दे कर क्या होगा, हिसाब पूरा होगा, 8000 रुपये थे, 9200 हुए, दर बढ़ी 4, तो 8000 पर 4% बढ़ी हुई दर, और समय 4 वर्ष वही था, बटा 100, 2 जीरो कट गया, 80 गुणा 4 चौक 16, 1280 क्या हो गया, मुझे अब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा, पहले 9200 देना पड़ रहा था, 1280 देना, तो 10480 देकर हिसाब क्या हुआ, पूरा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ए एक काम को 10 दिन और बी उसी काम को 15 दिन, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में, और दोनों मिल गए तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया, 10 से ये 3 बार कटा और 15 से ये 2 बार कट गया, 3 और 2 हो गए 5, यानी कि 3 काम इसने कर लिया और 2 काम इसने कर लिया, तो काम हो गया 5, और 30 काम करना था, काम करना था 30, तो 30 का बटा 5 कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक करें, क्वेश्चन में चेंजिंग दिया, चेंजिंग क्या दिया, दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, देखो एक दिन में 3 और 2 काम किया तो 5 कार्य हो गया, और दोनों ने जब 2 दिन कार्य किया तो 5 × 10 कार्य जो हो गया वो 10 कार्य हो गया, तो शेष कार्य, अब शेष कार्य आप चेक करो, जब 30 में से 10 कार्य हो गया तो कार्य बच गया आपका 20, काम करना था 30, 10 हो गया क्योंकि 2 दिन कर लिया दोनों ने इकट्ठे, तो 20 बचा, और क्या बोल दिया, एक कार्य छोड़कर चला गया, कौन गया, ए, ये वाला 3 वाला काम छोड़कर चला गया, और शेष कार्य अब बी करेगा, और बी बोल दिया क्या, बी कितने दिन में करेगा, अब शेष कार्य बी बचा, और बी को 20 कार्य बचा, और 20 कार्य बी कर रहा रोज का पर डे 2 कार्य है, तो 20 बटा 2, तो मतलब 10 दिन, 10 दिन में क्या होगा, बी से कंप्लीट होगा वर्क, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही, ए 10 दिन, बी 15, दोनों का एलसीएम लिया 30, 10 से 3 बार कटा 15 से 2, 3 और 2 5 कार्य हो गया, और 2 दिन में 5 × 10 कार्य हो गया, 1 दिन में 5 तो 2 में 10 हो गया शेष कार्य, अब 30 काम में से 10 काम खत्म हो गया तो बच गया 20 कार्य, और ए चला गया तो बी बचा, और बी कर रहा कितना 20 काम, और रोज का 2, तो 2 20 बटा 2, तो मतलब 10 दिन में कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 10 दिन में बी कंप्लीट करेगा, अगर टोटल दिन पूछता तो आंसर कुछ और आता इसका। नेक्स्ट, 24 छात्रों का औसत भार, औसत 40 किलो है, यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दे तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि संख्या की औसत से, संख्या की औसत से गुणा कर दीजिए तो योग निकल जाएगा, संख्या की क्या बोल दिया, औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा, 24 छात्रों का औसत भार, 24 छात्र हैं और औसत भार 40 किलो है, 24 छात्रों का औसत भार 40 किलो है तो 24 × 96 960 किलो आ गया। अब फिर क्या कहा, यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दें, पहले 24 बच्चे थे लेकिन अध्यापक जुड़ गया तो एक और बढ़ गया, 25 हो गया, अब औसत भार क्या कहा, 2 किलो बढ़ जाता है, पहले 40 था अब 2 बढ़ गया तो 42 हो गया, तो 25 का 2 × 50 हासिल 5, 25 × 100 और 5 105, 1050।
अब देखो अध्यापक पहले 960 वेट था, अब 1050 हो गया, तो अध्यापक के आने के बाद भार क्या हुआ, बढ़ा। और कितना बढ़ा आप खुद चेक कर लीजिए, ये 1050 से आप 1050 से माइनस कर दो 960, तो 0 और 15 से 6 गया 9, यानी कि अध्यापक के आने के बाद जो भार बढ़ा वो 90 किलो बढ़ा, यानी कि जो अध्यापक आया उसका वेट है 90 किलो। 24 छात्र, औसत 40, तो योग 960। अध्यापक बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, औसत भार बढ़ा कितना, 2 बढ़ा, तो 40 और 2 42 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे किया 1050, पहले 960 था अब 1050 हो गया, तो बढ़ा कितना 1050 से माइनस किया 960, तो 90 किलो, और यही क्या है दोस्तों अध्यापक का वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है, 5x प्लस 3x बराबर 3x प्लस 17। तो क्या किया, 5x ये इधर प्लस का 3x है, इधर आया तो माइनस का 3x और बराबर 17, ये प्लस का 3 बराबर से उधर गया तो माइनस का 3, और क्यों गया बराबर से उधर, क्योंकि जो जिसके जैसा दिख रहा उसको उसके पास लेकर आ गए। 5 से 3 गया तो 2x बराबर 17, से 3 गया 14, और x बराबर 14 का बटा 2, और 2 से काट दिया दोस्तों वैल्यू को 7 बार कटी, तो ऑप्शन सी क्या है आपका सही आंसर, 5x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 17, ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 बना 17, ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 बना, 5 से 3 घटा 2x बराबर 14, और x बराबर 14 का बटा 2 तो मतलब 7, और ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक वृत्त की परिधि दे दिया और पूछ लिया आपसे क्षेत्रफल, परिधि होता है एक चक्कर में चली गई दूरी, अब परिधि दे दिया आपका 88 मीटर। अब ज्यादातर वैल्यू मैं ऐसी रखता हूं जो आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कनेक्ट होती है। देखो अगर अभी से आपने मैथ्स को सीखना शुरू कर दिया, जब आपका 2 महीने रह जाएगा एग्जाम में, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होता है बच्चों के साथ कि 2 महीने में सोचते हैं कि मैथ्स को सीख ले, कभी सीख पाएंगे कभी नहीं सीख पाएंगे, और फिर रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अगर आप शुरुआत से ही लेकर चले क्वेश्चन को, अगर बिल्कुल ही बेसिक जाना है आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारा का सारा मैथ्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। अब परिधि मतलब 2πr बराबर 88, और 2 × π का मान 22/7, और × r बराबर 88, और r बराबर 88। अब ये 7 इधर क्या है, बटे में है, उधर गया तो गुणा में गया, और बटे 2 × 22, जो संख्या इधर बटे में है वो ऊपर गई, और जो ऊपर है वो नीचे आई, तो 22 से कट गया 4 बार, और 2 × 4, तो r बराबर 7 × 14 मीटर। 14 मीटर, और आंसर आपको 14 मीटर कहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दिया, अदरवाइज 14 मीटर ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है, लेकिन पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछ लिया, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 मीटर × 14 मीटर, तो 7 से कट गया 2 बार, 7 × 14, और 22 × 44 मीटर गुणा 44 मीटर × 14 मीटर, 14 × 56 हासिल 5, 14 × 56 और 5 = 61, 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, 616 वर्ग मीटर स्क्वायर, और वर्ग मीटर एक ही बात होती है, 616 वर्ग मीटर, तो ऑप्शन आपका बी क्या है दोस्तों सही आंसर। परिधि दिया 88, परिधि होता है 2πr बराबर 88, 2 × 22/7 × r बराबर 88, और r बराबर 88 का गुणा में 7 गया, और 2 × 22 नीचे, 22 से ये 4 और 2 से ये 2, 7 × 14, अब क्षेत्रफल पूछ लिया, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 × 7, 14 × 14, 7 से 2 बार, 22 × 44 × 14, मतलब आया 616 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चीनी के मूल्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
10% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्रहणी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च न बढ़े। देखो जो चीनी का रेट था वो 100 था और जब 10 बढ़ गया तो 110 हो गया। मान लो चीनी का रेट जो था वो 100 रुपये किलो था और जब 10% बढ़ गया और 100 पर 10 बढ़ाना या 20 बढ़ाना तो 100 पर डायरेक्ट 10 बढ़ा दो। फिर इसने कहा एक ग्रहणी खपत में कितनी कमी करे। देखो क्या होता है जब किसी वैल्यू का रेट या किसी सामान का रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं अपने घरों में उसका खपत थोड़ी कम कर देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा कि पिछले टाइम कुछ दिनों पहले टमाटर का रेट क्या हुआ, बड़ा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जहाँ 1 किलो टमाटर लगता था वहाँ घरों में आधे किलो में भी काम चल गया। तो 100 था, 10 बढ़ गया तो 110 हो गया। 110 को अब इस पर 110 के रेट को अब 100 पर लाना है तो 10 माइनस करना पड़े। आपको खुद दिख रहा है 110 को 100 पर लाना तो 10 घटाना पड़ेगा और किस पर घटाया, 110 पर और गुणा 100, यानी कि 10 की कमी करनी पड़ेगी, 10 माइनस करना पड़ेगा भाई। 0 से 0 कट गया, अब 100 का बट्टा 11। अब 100 को क्या किया, 11 से काट लिया, 11 का 9 बार 99, 11 9 99 एक बच गया और 9 सही 1 बट्टा 11। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, 9 सही 1 बट्टा 11 आप कर लीजिए इसको, 9 सही 1 बट्टा 11% की कमी। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही। 100 था, 10 बढ़ा 110, 110 को 100 पर लाना तो 10 घटाना पड़ेगा, किस पर, 110 पर गुणा 100, 0 से 0, 100 बटा 11, 100 को 11 से काटा, 9 सही 1 बटा 11। आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 3:4। जो अनुपात दिया है वो 3:4 दिया, अनुपात 3:4 और गुणनफल दे दिया, और गुणनफल दे दिया इस अनुपात का क्वेश्चन के अनुसार 108। कहा क्या, अनुपात 3:4 है और गुणनफल दे दिया 108, तो संख्या बताओ। और जब भी गुणनफल देता है तो इसको मान लेंगे आप 3x और इसको मान लिया 4x और इन दोनों का गुणा कर दिया बराबर 108। 3 का 4 में 12, एक्स स्क्वायर बराबर 108 और एक्स स्क्वायर बराबर 108 का बटा 12 और 12 से कट गया 9 बार और एक्स बराबर अंडर रूट का 9 और 9 बनता है आपका 3 का, तो वैल्यू आई 3, एक्स का मान आया 3 और इसने कहा बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी पर आपको 3 और 4 में चेक करो तो 4 जो दिखाई दिया वो दोस्तों बड़ा दिखाई दिया, तो बड़ी संख्या तो 4 का गुणा किया 3 से, 3 क्यों, क्योंकि वैल्यू आई, तो 4 3 12, तो बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों 12 और डी ऑप्शन क्या है आपका सही। अनुपात दिया 3:4 और गुणनफल दिया 108, तो 3 के साथ x मान लिया जब आप गुणा करते हो और 4 के साथ x, तो 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर बराबर 108 और एक्स स्क्वायर 108 का बटा 12, 12 से कटा 9 बार तो एक्स बराबर अंडर रूट का 9 और 9 किसका 3 का, 9 बना 3 का, तो बड़ी संख्या पर 4 अनुपात हैं तो 4 गुणा 3 4 3 12, अगर छोटी पूछता तो 3 3 9 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये, अंकित का मतलब वस्तु पर जो अंकित प्राइस है वो 8,000 रुपये है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद 6,000 में बेच दिया। क्वेश्चन को समझो, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट बताओ। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा बढ़ गया लेवल, अगर ध्यान से समझेंगे बेसिक पे चलते जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन को समझने की। 8,000 रुपये है दोस्तों और क्या कहा, 6,000 में बेच दिया, पहली छूट देखो कितना दिया, 20% दिया, तो जब 20% की छूट दी तो 80% तो लेगा, 80% तो लेगा बट्टा 100, 2 0 से 2 0 और 80 का 80 में गुणा किया 6,400, यानी कि उसका अगर पहली छूट, एक छूट देख ली 20% वाली, तो 6,400 में बेच रहा है।
लेकिन फिर क्वेश्चन में क्या कहा, 6400 नहीं 6000 में बेचता है। कितने में? 6000 में। अब 6400 वाली वस्तु को 6000 में बेच रहा तो दूसरी छूट यहां कैलकुलेट होगी, तो कितना छोड़ दिया, 400 रुपए छोड़ दिया। तो इसने कहा दूसरी छूट, तो दूसरी छूट का प्रतिशत बताना, दूसरी छूट। अब आपको खुद दिखाई दे रहा भाई, क्या कहा, दूसरी छूट 400 रुपए छोड़ दिया और किस पर, 6400 पर, और गुणा किया 100 पर से, 20 से 20 काट लिया आपने, या फिर आप क्या करो, 20 से 20 काटो, 4 से काटो 16 बार भाई, 400 से 20 से 20, 4 से कट गया 16, अब 100 का बट्टा 16 किया, अब 100 का बट्टा क्या किया दोस्तों आपने, 100 का बट्टा किया आपने 16, मतलब 20 से 20, 4 से 16 बार कट गया, अब 100 का बट्टा 16 और 100 को 16 से काट दिया। अगर नहीं आता तो इधर जाएं साइड में काट कर देख लें, बिल्कुल बेसिक से चलते हुए, 16 से 16 छिक्कम 96, 4 बच गया, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, तो 16 दूनी 32, 8 बच गया, पॉइंट लगा तो 0 और 16 पंजे 80, तो 6.25। तो दूसरी जो छूट आई दोस्तों वाई 6.25% की, और 6.25% आया तो ऑप्शन बी क्या बना आपका सही आंसर। देखो 8000 है, 20% की छूट, तो 80/100, 20 से 20, 80 का 80, 6400। लेकिन 6400 की वस्तु फिर 6000 में बेच दिया, तो सेकंड जो छोड़ दिया उसने 400 रुपये फिर छोड़ दिए। इसने कहा छूट का प्रतिशत, सेकंड दूसरी छूट बताओ, 400 6400 पर गुणा 100, 20 से 20, 4 से 16, 100 का/16 किया तो 6.25% की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा, घन की जो भुजा दे दी, अब घन जो होता है वो इस तरह की आकृति होती है जैसे आपकी एक डाइस होती है, या फिर आप बोल सकते हैं लीडो टाइप की जिस तरह आप खेलते हैं, तो घन हो गया और इसकी एक भुजा दे दी 5 मीटर, तो सारी की सारी 5 मीटर होंगी। तो इसने क्या कहा, आयतन पूछ लिया, किसका आयतन, घन का आयतन, और घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की पावर 3, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, और भुजा दे दिया दोस्तों आपको 5 मीटर की पावर 3, और 5 का 3 किया, 5 × 5 × 5 मतलब 125 घन मीटर, घन मीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। कहने को ही बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार ये आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सही। घन की भुजा दे दी, आयतन पूछ लिया, कभी कभी क्या देता है, घन का आयतन दे देता है और आपसे घन का क्षेत्रफल पूछ लेता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है। ध्यान रखें क्या पूछा, किस तरह पूछा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। घन की भुजा दे दिया, आयतन पूछा, तो आयतन होता है भुजा की 3, 5 की 3 किया 125 घन मीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, इधर पुत्र लिख दिया आपने और इधर पिता लिख दिया, और यहां लिखते क्या है, वर्तमान लिख दिया, वर्तमान लिख दिया। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर पुत्र 1 है तो पिता इसका 3 गुना, मतलब ये 1 का अनुपात है, न कि 1 साल का। अगर ये 1 है तो पिता इससे 3 गुना है, और 10 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। अगर ये 1 है तो ये 2 गुना हो जाता है, 1 और 1 में अंतर 0 का, 3 और 2 में अंतर 1 का। अब करना क्या होता है इसमें, अब अंतर क्या हुआ, बराबर नहीं है, 1 और 1 का अंतर 0 आया, 1 और 1 का अंतर किया 0 आया, 3 और 2 का अंतर 1 आया, तो क्या करें, इसके मिड का अंतर देखें, 1 और 2 में 1 का अंतर, 3 और 1 में 2 का अंतर, तो ऊपर तो कर दो आप 1 की गुणा और नीचे कर दो आप, पूरे में करनी है आपको, ऊपर तो कर दो आपने 1 की गुणा और नीचे करी, ऊपर तो 1 और नीचे 2 की गुणा, अंतर क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपका।
एक एकम एक और एक तिया तीन, दो एकम दो और दो दुनी चार। एक और दो में एक कंतर, तीन और चार में एक कंतर, और एक किसके बराबर? दस के। एक किसके बराबर? दस के। क्यों दिया हुआ है? एक का मान दस, तो इसने पूछा पिता की आयु, और पिता पर तीन अनुपात हैं, पिता पर तीन अनुपात है वर्तमान में, और एक अनुपात का मान दस, तो पिता की आयु पूछ लिया, तो एक गुणा दस और दस तिया तीस, तो पिता की आयु जो आई वो तीस वर्ष आई। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? आपका सही है। पुत्र एक, पिता तीन वर्तमान, और फिर इसके बाद क्या दिया? दस साल के बाद एक और ये दो, अंतर जीरो का, अंतर एक का, फिर इसके बीच का अंतर ले लिया यहां दो और एक का, एक का तीन और एक का दो का, ऊपर एक का गुणा नीचे दो का, एक एकम एक, एक तिया तीन, दो एकम दो और दो दुणी चार। एक और दो में एक का अंतर, तीन और चार में एक का, एक किसके बराबर? दस के। और पिता के पास पूछ लिया कितना वर्तमान में आयु, तो पिता के पास तीन अनुपात थे, तो दस गुणा तीन मतलब तीस। अगर पुत्र की पूछता तो पुत्र पर एक अनुपात था, तो दस का एक में दस एकम दस। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रही है, तो औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस y। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, और दो गुणा x का मान दिया, जाती हुई चाल को x मान लिया, ये इधर से गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहां से चला? दिल्ली से चला है, डिस्टेंस शुरू किया और सहारनपुर गया, तो इसकी जो चाल थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जब वापस आया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या लिया? औसत चाल, और औसत चाल मतलब 2xy बटे x प्लस y और दो गुणा जाती चाल को आपने मान लिया x, जाती हुई चाल को x मान लिया और आती हुई चाल को y मान लिया, और x का मान दिया 10 और y का आपको दिया 15 और बटे 10 प्लस 15, दो गुणा 10 20 और 15 का गुणा किया या 15 धाम 150, 150 दुनी 300 और 300 का बटे 15 और 10 25, 15 और 10 25, 25 से काट दिया, 25 एकम 25, 5 बचा 0, 25 दुनी 50, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई उसकी औसत चाल? तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर। एक बार दोबारा देखें, जब ये चाल यहां से चला तो 10 किलोमीटर था और वापस आया तो उसी स्थान पर जब आता है तो चाल होती है औसत चाल 2xy और x प्लस y, और जाती हुई चाल 10 और आने वाली 15, तो 2 गुणा 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15, 15 का 10 में 150 दुनी 300 का बटे 25, 300 को 25 से काट दे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया किसका? सिंप्लीफिकेशन का। ध्यान रखें, सरलीकरण का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछता है और एक क्वेश्चन का मतलब 100% आपका आता ही आता है आपका इस तरह का क्वेश्चन। तो 40 माइनस 4 गुणा 2 माइनस 6 भाग 3। आपने एक नियम पढ़ा था बोर्ड मास का नियम, बी ओ डी एम ए एस, मतलब सबसे पहले क्या ब्रैकेट इसमें सोल्व करना, ब्रैकेट है नहीं। अगर किसी ने पूरा नियम नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर सरलीकरण का मैं पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाया हूं। ओ मतलब ऑफ नहीं है इसमें, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, और फिर क्या है? डिवाइड है। डी मतलब डिवाइड, और डिवाइड किस किस के बीच में? 6 और 3 के। तो करना क्या है? 6 को 3 से भाग करो सबसे पहले। 40 माइनस 4 गुणा 2, 6 को 3 से भाग किया 2। अब क्या करो? 40 माइनस 4 का दुना, अब भाग तो सोल्व हो गया, भाग के बाद क्या करना? गुणा सोल्व करना, भाग के बाद गुणा को सोल्व करना, और गुणा को सोल्व करना m का मतलब मल्टीप्लाई, 4 दुनी 8 और माइनस 2।
और 40 से 8 गया तो 32 बचा, और 32 से फिर माइनस 2 किया तो 30, और 30 मतलब ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही। क्वेश्चन को हैंडल करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, यानी कि ये सोच लें कि हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है किस किस के बीच में, 6 और 3 के, तो 6 को 3 से भाग किया 2 आया। अब मल्टीप्लाई है 4 और 2 के बीच में, 4 का 2 से 8, 40 में से 8 गया 32 और 32 से 2 घटा 30, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अब की बार क्या दिया, x बटे 6 बराबर 96 का बटे x, x का बटे 6 बराबर 96 का बटे x। क्या पूछ लिया, x का मान पूछ लिया आपसे, किसका, x का मान। तो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का गुणा किया x से और बराबर 96 गुणा 6, 96 का मल्टीप्लाई किया 6 से, x और x की गुणा किया तो x स्क्वायर बना। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एक हो गया और एक दो, तो मतलब दो पावर लग गई। अगर तीन बार गुणा करते तो तीन पावर लगती, कितनी बार, दो बार किया तो दो पावर। अब 96 का 6 से 6 छंग 36, हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 576, और x बराबर इधर स्क्वायर हटा तो इधर क्या गया, अंडर रूट में 576, अंडर रूट में गया 576 और 576 होता है आपका 24 का वर्गमूल। 24 का वर्गमूल, अगर वर्गमूल नहीं आता तो आप बेसिक में जाएं, 2 से फिर 2 से फिर 2 से काटना शुरू करें। जैसे एक बार एग्जांपल देख ले, मान लो 576 ही काटना है, 2 से 2 दुनी 4 1 7 2 8 16 2 8 16, 2 से 144, 2 से काट दिया 72, 2 7 14 2 दुनी 4, फिर 2 से काट दिया 36, फिर 2 से फिर काट दिया 18, 2 से काट दिया फिर 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से 1। अगर नहीं भी समझ आता तो बेसिक में आप क्लास जरूर करें, तो 2 का जोड़ा बन गया जोड़ा और जोड़ा और फिर जोड़ा। जोड़े में से क्या करना, एक एक वैल्यू लेनी है इस 2 2 2 और 3, मतलब 2 2 2 और 3, तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 किया 24 आपका सही आंसर। 24 मतलब ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। x बटा 6 बराबर 96 का बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x और x x स्क्वायर और 96 गुणा 6 576 और 576 किसका, 24 का, अदरवाइज आप वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 45वां क्वेश्चन। क्या कहा, 10,000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का, कितना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्धि ब्याज का अंतर बताओ। जब भी साधारण और चक्रवर्धि का अंतर देता है तो अंतर बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। पी का मतलब हो गया मूलधन, मतलब 10,000 रुपये जो है वो आपका पी है, पी मतलब मूलधन और आर मतलब है आपका 5%। तो पी का मतलब लिख दिया आपने 10,000 और गुणा आर का मतलब लिख दिया आपने 5%, तो 5/100 और इसका पावर किया 2। अंतर का सूत्र, जब चक्रवर्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे तो सूत्र होता है पी गुणा आर अपॉन 100 की पावर 2। पी का वैल्यू 10,000, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, गुणा आर का मतलब 5/100 और 10,000, 5 का स्क्वायर किया 25 और 100 का स्क्वायर किया 10,000, मतलब 100 गुणा 100 कितना 10,000 और 10,000 से 10,000 कट गया तो अंतर आ गया दोस्तों आपका 25 और 25 क्या है आपका सही आंसर, बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। पी 10,000, आर 5/100, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 से 10,000 कट गया तो आंसर बना आपका 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रीजनिंग के जो क्वेश्चन अब शुरू हुए आपके, रीजनिंग के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके जीके हुए, 15 उसके बाद साइंस हुआ और 15 उसके बाद मैथ्स हुआ, और मैथ्स के बाद लास्ट सेशन बनता है आपका रीजनिंग का, जिसके अंदर आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर आपके यहाँ से कैलकुलेट होते हैं।
तो पहला जो दिया सीरीज, और सीरीज आप इंडियन आर्मी का कोई भी एग्जाम एआरओ का दो या किसी भी रिलेशन का दो या ओपन का दो, तो एक क्वेश्चन जरूर आपका सीरीज का बनता है। 427। फिर क्या कहा, क्वेश्चन मार्क का, और क्वेश्चन मार्क में इसने पूछ लिया कि वैल्यू में नेक्स्ट क्या आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, जब सीरीज चली, देखो यहां से बहुत छोटे लेवल से चली, लेकिन जैसे जैसे आगे चलती चली गई सीरीज बहुत बड़े लेवल पर पहुंची, और जब बहुत बड़े लेवल पर सीरीज पहुंच जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई चला हुआ है। अगर यहां से 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 30 तक चलती तो प्लस पहुंच गया। अगर जब सीरीज बहुत बड़े लेवल पर चली जाए तो इसका मतलब गुणा की सीरीज है। और गुणा क्या, देखो 2 का 4 गुणा किया, 2 चौक 8 और 1 घटा दिया तो बन गया कितना आपका 7। 2 का 4 गुणा 2 चौक 8, 1 घटाया 7। अब 7 का 2 गुणा करो, 7 का 4 गुणा 1 घटाओ, 7 चौक 28 और 1 घटाया तो 27। अब क्या करो, 27 का 4 गुणा करो, मतलब पहले या दूसरे में हमें श्योर हो गया कि 4 गुणा करके 1 घटाया, 27 चौके 108 और 1 घटाया तो 107, और फिर 107 का 4 गुणा किया और 1 घटाया, 107 का 4 गुणा 428 और 1 घटाया तो 427। यानी कि सीरीज जो चली हुई है आपकी एक पैटर्न पर चली हुई, एक सीक्वेंस पर चली हुई है, 4 गुणा -1, 4 गुणा -1, 4 गुणा -1, तो 427 का 4 गुणा करो और माइनस 1 कर दें आप, माइनस क्या कर दें 1। अगर नहीं आता आपसे गुणा करना तो साइड में जमा और गुणा करके देख लें, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। 427 का 4, 4 27 28, 4 दुना 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, 1708, और 1708 में से क्या किया, माइनस 1 किया 1707। माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि सब में चल रहा है तो 1707, और 1707 बना आपका दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही आंसर। 4 गुणा किया 1 घटाया, 4 गुणा 1 घटाया, 4 गुणा 1 घटाया, 4 गुणा 1 घटाया, फिर लास्ट में भी 4 गुणा किया और 1 घटा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 3 7 7 6 को कोई कोड है, संकेत की भाषा दी, उसमें 3 3 7 7 6 को बोल दिया 2 4 6 8 5। आपके अग्निवीर में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, फिर पूछ लिया तो 6 7 5 8 और 4 को उसी सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे। अब देखो 2 से क्या हुआ 1 घटा, 3 से 1 घटा तो 2 बना, 3 से 1 बढ़ा तो 4 बना, यानी कि 1 घटा फिर 1 बढ़ा, फिर क्या हो रहा है, 1 घटा और 1 बढ़ा, फिर लास्ट में भी 1 घट गया। तो जो हमारा पैटर्न है हमें मिल गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस और फिर 1 माइनस, तो यहां भी वही पैटर्न यूज करो, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 और -1। 6 में से 1 गया तो 5 बना, 7 में 1 बढ़ा तो 8, 5 से 1 गया तो 4 और 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 4 से 1 घटा तो 3, तो 5 8 4 9 3, तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही आंसर, ऑप्शन डी। और जिस पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है, जिस पैटर्न पे पूछ लिया, उसी पैटर्न पे अगला आंसर आपको देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषम शब्द को चुने। अब विषम शब्द क्या, 4 अक्षर दिए हुए हैं, रेटिनोल दिया, थायमिन दिया, एक रेटिनोल दिया, थायमिन दिया, बेरी बेरी दिया और टोकोफेरोल दिया। यानी कि जो सारे के सारे नाम है विटामिन से संबंधित है, रेटिनोल, थायमिन, बेरी बेरी और टोकोफेरोल, लेकिन इसमें जो बेरी बेरी है वो डिफरेंट है। रेटिनोल जो है विटामिन ए का नाम है, बी विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का आपका मैंने एक ट्रिक बताई थी, रत पर एक टॉफी। तो रेटिनोल रेस है, रेटिनोल भी क्या है विटामिन है, थायमिन भी क्या है विटामिन है, एस्कोर भी क्या है विटामिन है, कैल्सीफेरोल भी विटामिन है, टोकोफेरोल भी विटामिन है और फ्लिक्विनोन भी विटामिन है, लेकिन बेरी बेरी विटामिन नहीं है। बेरी बेरी क्या है, एक रोग का नाम है, तो इसलिए विटामिन में भिन्न कौन सा, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों अलग है। क्यों, क्योंकि बेरी बेरी क्या है, एक रोग है, और आप आंसर में कमेंट में देंगे कि बेरी बेरी रोग कौन सी विटामिन के कमी के कारण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49।
वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 13वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? जब भी वृक्ष वाला आपका क्वेश्चन बनता है तो क्या करना है, एक वृक्ष इधर से भी अगर इधर से आप काउंट करते हैं तो 13वें स्थान पर है, अगर इधर से आप काउंट करते हैं, अगर इधर से काउंट करते तब भी 13वें स्थान पर है, तो करना क्या है, दोनों को जोड़ दो 13 + 13 और माइनस कर देंगे एक, 13 और 13 26, 26 से एक गया तो 25, तो विटामिन मतलब ऑप्शन बना दोस्तों आपका डी, डी आपका सही आंसर। जब भी वृक्षों की पंक्ति दे इधर से भी 13 इधर से भी 13 तो दोनों को जोड़ दो रे घटा दो, 26 से एक गया 25 आपका सही आंसर। नेक्स्ट असम, असम से दिया दिसपुर, असम का संबंध है दिसपुर से, तो नागालैंड का संबंध पूछ लिया, असम की जो राजधानी है उसका नाम दिसपुर है, तो नागालैंड की राजधानी आप बताएंगे, शिलोंग है, इम्फाल है, शिलोंग है, इम्फाल है, कोहिमा है या ईटानगर। ये आपका आप आज का क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन में करें कि इसका सही आंसर क्या है, और आपको अपना पर डे का जो डाटा चला हुआ है, आज मैथ में कितने सही हुए, जीके में कितने सही हैं, साइंस में कितने सही हुए और रीजनिंग में कितने सही है, वो कमेंट सेक्शन में फिल करें। असम में मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताई थी, असम में मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर, असम का मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर, और असम का मेन अभ्यारण है, असम का मेन अभ्यारण है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा। और तीसरी असम की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये थे आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों, तो कल आपको आंसर देना है, कल आपको आंसर देना है नागालैंड की राजधानी नंबर एक, दूसरा आंसर देना है नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और यही 50 क्वेश्चन थे आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।